रूलिंग से। देखो सपोज करो आपके पास कोई भी एक बॉडी है और जो क्या कर रही है, जो ट्रांसलेट कर रही है, ट्रांसलेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो ट्रांसलेट करने का मतलब सीधा चल रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन में ट्रांसलेट कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस बॉडी का हर पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है, घूम तो रहा ही नहीं, तो ये सीधा चल रहा है विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात हो गई खत्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी ये बॉडी और मैं कहता हूँ ट्रांसलेट कर रही है, तो ये स्लाइड करती हुई आगे जा रही है ऐसे, ये ट्रांसलेशन है। इसका हर पार्टिकल मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, बाकी पार्टिकल भी सेम है। दूसरा केस, सपोज यही बॉडी है, सेम बॉडी है, लेकिन ये खड़ी खड़ी रोटेट कर रही है। जब कोई बॉडी खड़ी खड़ी रोटेट करती है उसे बोलते हैं प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलता, बाकी पार्टिकल आसपास घूमते हैं। तो जब ये खड़ी खड़ी बॉडी घूमेगी तो इसकी वेलोसिटी जो होगी टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल और टेंजेंशियल होगी। तो वेलोसिटीज इसकी हर पार्टिकल की क्या होंगी? टेंजेंशियल होगी। राइट, क्लियर है यहां तक? अब सपोज करो तीसरा केस है, बॉडी क्या कर रही है? रोल कर रही है। रोल करने का मतलब आगे भी जाना और साथ में घूमना भी, तो घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। जैसे नॉर्मल गाड़ियों का टायर रोल करता है, जो गाड़ी चलती है तो टायर रोल करता है। पंखा प्योर रोटेशन में खड़ा खड़ा घूम रहा है, ट्रांसलेशन में नहीं है, प्योर रोटेशन में टायर रोल करता है। जब टायर रोल करता है तो सेंटर ऑफ मास को ध्यान से देखना, जब टायर गोल 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 रोल करता है तो सेंटर ऑफ मास आगे चलता है स्ट्रेट, सिर्फ सेंटर, बाकी पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमते हैं, सेंटर ऑफ मास नहीं घूमता क्योंकि एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अंदर से ही पास करता है। तो एक्सिस ही मूव कर रहा है एक तरीके से, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट मूव करेगा। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो फिर से, जब कोई टायर रोल करता है तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो रोटेशनल मोशन में नहीं होता, वो ट्रांसलेशन मोशन में होता है। जैसे एक टायर अगर रोल कर रहा है, रोल का मतलब घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे चलेगा, बाकी पार्टिकल इसके आसपास गोल गोल घूमेंगे। तो इसका मतलब जो रोलिंग मोशन है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड प्योर रोटेशन। तो जो रोलिंग है वो क्या है? ट्रांसलेशन मोशन और प्योर रोटेशन का कॉम्बिनेशन है। तो जब मैं ये बोलता हूं कि बॉडी क्या कर रही है, बॉडी रोल कर रही है, तो इसका मतलब कि उसका सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेट कर रहा है और बाकी पार्टिकल उसके आसपास क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो रोलिंग का मतलब दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेशन का और प्योर रोटेशन का। ट्रांसलेट कौन करता है रोलिंग में? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट मूव करता है, वो ट्रांसलेट करता है। यहां तक क्लियर है? अब इस पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है न्यूमेरिकली आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को मोशन इन टू डायमेंशन स्टडी करना है, प्रोजेक्टाइल स्टडी करना है, मोशन इन टू डी में क्या किया था? एक इक्वेशन एक्स एक्सिस में, एक इक्वेशन वाई एक्सिस में, दोनों का कॉम्बिनेशन टू डी बन गया था। इसमें भी ऐसे ही है। अगर मुझे रोलिंग सॉल्व करनी है तो एक इक्वेशन ट्रांसलेशन मोशन की बनेगी, जो सेंटर ऑफ मास पे बनेगी, और एक इक्वेशन प्योर रोटेशन की बनेगी, टॉर्क की हेल्प से बनेगी, और दोनों का कॉम्बिनेशन रोलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो रोलिंग की इटसेल्फ कोई नई इक्वेशन नहीं बनेगी, रोलिंग के कोई नई फॉर्मूला नहीं बनेंगे। रोलिंग में क्या होने वाला है? ट्रांसलेशन की अलग इक्वेशन है जो सेंटर ऑफ मास में लगेगी, रोटेशन की अलग है जो टॉर्क की हेल्प से बनेगी। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके रोलिंग करेंगे। आज के लेक्चर में यही बताऊंगा कि मैथमेटिकली इन दोनों इक्वेशन को कैसे बनाते हैं और इकट्ठा सॉल्व कैसे करते हैं रोलिंग को। बट ये पॉइंट समझ में आ गया कि रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये वाला पार्ट आपसे पूछा नहीं जाता, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बॉडी रोल करती हुई आगे जा रही है, इमेजिन करो टायर या कोई भी रिंग स्फीयर रोल करता हुआ आगे जा रहा है, और हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की। ये प्योर रोलिंग क्या होती है भाई? प्योर रोलिंग होती है, कई बार स्टूडेंट ऐसे सोचता है कि मेरी गाड़ी ना मिट्टी में चली गई थी, मिट्टी में स्किड कर गई, तो रोटेशन ज्यादा हो रही थी और स्किडिंग
थोड़ी स्किडिंग भी हो रही थी, ये प्योर रोलिंग नहीं है, क्योंकि प्योर रोलिंग का मतलब प्रॉपर टायर का रोल करना, स्किडिंग होना इज नॉट प्योर रोलिंग। हम बात कर रहे हैं सड़क के ऊपर जो टायर मूव करते हैं बिना स्किडिंग के, वो प्योर रोलिंग है। तो कोई भी स्किडिंग का कोई केस ना ले इसके अंदर, हम स्किडिंग या ब्रेक सप्लाई नहीं करने वाले। प्योर रोलिंग का मतलब टायर का प्रॉपर रोल करना, क्लियर है यहाँ तक, कोई स्किडिंग ना होना। तो इस केस में इमेजिन करो आपके पास कोई बॉडी है जो रोल करती हुई आगे जा रही है, और सोचो उसका एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर का मतलब होता है कि अगर कोई ए मार्क मैं ऊपर लगा लूं और रोल करके बॉडी यहां पे आ जाए और ए मार्क घूम के फिर ऊपर हो जाए, इसको बोलते हैं एक चक्कर पूरा हो गया। तो क्लियर है यहां तक? तो जब मैं ये बोलता हूं कि एक राउंड पूरा हो गया या एक रेवोल्यूशन हो गया, तो सोचो ये ए पॉइंट है, घूम के ये ए पॉइंट यहां पे आ गया। तो टायर रोल कर गया तो ए पॉइंट यहां पे था, घूम के इधर आ गया। तो मोशन ऐसी बनने वाली है, कुछ इस तरीके से घूम के आएगा। जब ये रोलिंग हो रही है तो मैंने अज्यूम किया है कि मेरा ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब टायर अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं कर, ये नहीं है आप रेस दबा रहे हो पहले ओमेगा कम फिर ज्यादा, ऐसे नहीं हो रहा, कांस्टेंट ओमेगा के साथ चल रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है? तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा, लेकिन अगर आपका टायर तेज 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 जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी तेजी से जाएगा, वो भी एक्सेलरेट करेगा। पर मैं एक्सेलरेशन का चक्कर डाल नहीं रहा, मैं ये मान रहा हूं कि ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है यहां तक? तो सबसे पहले एक मैथ्स का रिजल्ट है, हम ये सीधा लगाएंगे। जब ओमेगा कांस्टेंट है और एक चक्कर पूरा हो जाता है, अगर जो भी ये टायर रिंग फेयर जो भी लिया आपने, इसका रेडियस अगर आर है, तो एक रेवोल्यूशन में एक चक्कर में, एक चक्कर का मतलब है यहां से यहां टाइम टेकन कितना है, कैपिटल टी, एक रेवोल्यूशन हो गया, यहां से यहां आने में सेंटर ऑफ मास यहां से यहां ट्रेवल कर जाएगा। ऑब्वियसली यहां से यहां आने एक चक्कर में सेंटर ऑफ मास यहां से यहां ट्रेवल कर जाएगा, और सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन में होगा, ट्रांसलेशन मोशन में होगा, सेंटर ऑफ मास तो घूमता नहीं है, सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेशन मोशन में होता है। तो वो दूरी कितनी कवर करेगा एक चक्कर में, ये याद रखना, इज ऑलवेज इक्वल टू सरकमफेरेंस जितना करता है 2πr। अगर रेडियस टायर का आर है तो सरकमफेरेंस 2πr, ये रिजल्ट सीधा अप्लाई कर रहे हैं, इसका प्रूफ नहीं कर रहे, पर ये प्रूव्ड है कि सेंटर ऑफ मास एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है 2πr, ठीक, क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं ये पूछूं सेंटर ऑफ मास कैसे चल रहा है, आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ये पूछूं कि ओमेगा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, तो आप बोलेंगे यस वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और लीनियर मोशन है या ट्रांसलेशन मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो घूम ही नहीं रहा, सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है और कांस्टेंट वी के साथ जा रहा है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो डिस्टेंस कितना कवर किया एक चक्कर में, 2πr, कितनी वेलोसिटी के साथ, सेंटर ऑफ मास, और टाइम पीरियड क्या होता है, 2πबाय ओमेगा। तो यहां से 2πकैंसिल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो रिजल्ट ये है कि जब भी कोई बॉडी रोल करती हुई आगे जाएगी तो उसका सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, आर ओमेगा होगा। तो आप फॉर्मूला बुकलेट में ओपन करें, ये प्रूफ तो आपसे कोई नहीं पूछ रहा लेकिन ये रिजल्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप फॉर्मूला बुकलेट में इसे नोट करें। क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिखें, इन प्योर रोलिंग, इन प्योर रोलिंग डायग्राम बनाएं। रोलिंग का डायग्राम ऐसा बनता है, चेक करो ये देखो, ऐसे सेंटर ऑफ मास कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन जाता हुआ दिखेगा, और बाकी पार्टिकल कैसे होंगे, गोल घूमते दिखाई देंगे ऐसे, ठीक। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू आर इनटू ओमेगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस बॉडी। तो ये फॉर्मूला नोट करें, क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड का फॉर्मूला क्लियर हो गया, आर इनटू ओमेगा। अब क्योंकि ओमेगा अगर कॉन्स्टेंट है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट है, और अगर ओमेगा चेंज हो गया तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो गया, राइट, क्लियर है यहां तक? तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्लियर है यहां तक? ठीक। तो ये केस, पहला केस, प्रूफ नहीं पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला क्लियर है। जैसे किसी न्यूमेरिकल में आपको कहा जाएगा कि रेडियस मान लो 1 मीटर है, ओमेगा मान लो 10 रेडियंस पर सेकेंड है,
तो बोलो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा में 1 × 10, कितना 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। सिंपल। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन क्या होगा, कोई मुझे बताएगा, अगर बॉडी रोल कर रही है और स्पीड इंक्रीज हो रही है उसकी, या ऐसा बोलते हैं ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ेगा भी बढ़ेगा। तो ये जो केस है वो केस है जब वेलोसिटी या ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। दूसरा केस बनाते हैं, सेकेंड केस लिखो, इफ ओमेगा इज नॉट कॉन्स्टेंट तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगा, एंगुलर एक्सलरेशन। अगर ओमेगा कॉन्स्टेंट नहीं है, ओमेगा बढ़ रहा है, तो क्या जनरेट हो जाएगी उसमें, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन जनरेट हो जाएगी। तो ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता क्या है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही होता है। आप एक चीज बताओ, अगर वी चेंज हो रहा है और मैं दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दूं डी बाई डी टी, तो ये क्या आ जाएगी, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर कॉन्स्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एल्फा। तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, आर इंटू एल्फा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ए एक्सलेशन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, एक्सलेट करेगा। अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा भी कॉन्स्टेंट है, तो अब यानी कि क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो ओमेगा कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है फिर तो वी सेंटर ऑफ मास इज आर ओमेगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक। अब कंफ्यूजन लोगों को कहां होती है, कंफ्यूजन यहां होती है कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मूला ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में हमने देखा हुआ है, लेकिन उस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर सोचो कि सेम है, नहीं सेम कैसे है यार, वो तो टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालता था और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालता है। सर्कुलर मोशन में हमने रोलिंग कब की, पॉइंट मास ही घूमता रहता था, इसमें तो रोलिंग हो रही है, तो चांस की बात है फॉर्मूला सेम है। आपके लिए तो अच्छा ही है फॉर्मूला सेम है, क्यों, गलती से गलत भी लग गया तो भी वी इक्वल टू आर ओमेगा ही लगेगा। प्रॉब्लम तो दो फॉर्मूले में से क्या लगाऊं, फॉर्मूला ही एक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भी आर ओमेगा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लिख दिया, ये तो मैंने लिख ही दिया कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वी इक्वल टू आर ओमेगा, और मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया कि हमने ये सर्कुलर मोशन के अंदर भी किया था वी इक्वल टू आर ओमेगा, पर सर्कुलर मोशन में बॉडी की शेप नहीं लेते थे, हम क्या लेते थे, पॉइंट मास घुमाते थे, और पॉइंट मास की क्या होती थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये जो फॉर्मूला होता था ये कौन सी वेलोसिटी थी, टेंजेंशियल थी, इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। हालांकि आपके रेफरेंस के लिख दिया, आपसे पूछेगा नहीं कोई, और ये भी बता दिया कि रोलिंग में अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो क्या जनरेट हो जाएगा, अल्फा। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट विल एक्सेलरेट फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? ठीक है।